शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है, त्योहारों में व्यवधान डालने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं है। प्रशासन त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु कटिबद्ध है। आपसी मेल मिलाप एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाया जाए। शहर की शांति एवं सौहार्द को कायम में रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। एडीएम सिटी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में रात्रि 10 बजे से प्रातः 10 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजेंगे। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बजने वाले स्पीकरों को डिसेबल भी निर्धारित रहेगी। एडीएम सिटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि साफ सफाई, गड्ढा मुक्त सड़कें, ढीले एवं जर्जर ताल पोल को ठीक करने के साथ ही अनवरत रूप से जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मूर्ति विसर्जन हेतु पोखरे आदि का निर्माण व पर्याप्त रोशनी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए तथा भंडारा स्थलों के आसपास साफ सफाई रखी जाए। बैठक में एसपी सिटी डॉ. कौस्तुम, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। शांति सद्भावना समिति और उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से श्रीवास्तव हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और सदस्य आपके समिति शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी। जयदीप चंद्रवाल सिंह, एस एच ओ गोरखनाथ। डॉक्टर के शर्मा, सांसद जवाहरलाल समिति का इन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर रखा है। विश्व सुरक्षा की बहुत जरूरत पड़ती है, जितने भी कार्यक्रम वही होते हैं तो आप अपना नंबर हमको दे जाइएगा। जैसा मैंने अभी कहा है कि पिछले त्योहारों में एसपी सिटी साहब ने, सभी सीओ साहबान, एसडीएम साहबान ने और शांति समिति के सदस्यों ने कंधे से कंधा लगा के त्योहार को संपन्न कराया है। साउंड का कोई भी साउंड सिस्टम हो, चाहे माइक से हो और चाहे उनका कोई भी म्यूजिकल सिस्टम हो, साउंड बॉक्स हो या डीजे हो, 75 डेसिबल से कम साउंड रहे जिससे आम जनता की शांति भंग ना हो, ना उनके सोने में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न हो, ताकि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करा सके। अब मैं शांति समिति के सदस्यों से कहूंगा कि सब लोगों के सामने शेयर कर ले और प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभाग इसको अवश्य नोट कर ले कि कहां पर सर्दी टूटी फूटी है, कहां पर नाली में गंदगी है, कहां पर सफाई किया जाना है, कहां पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की आवश्यकता जरूरी है, कहां पर कौन बिंदुओं पर, और अपना कोई अच्छा सुझाव जो वर्तमान नियमों में शासन प्रशासन और न्यायालय के नियमों के अधीन हो, ऐसा कोई आप उचित सुझाव समझते हैं तो आप सभी बैठक के समक्ष रखें।